इलेक्ट्रिकल एक्सपीरियंस में आज हम एक इलेक्ट्रिक पोल के साथ दो ठो ब्रैकेट और दो ठो स्ट्रीट लाइट को कैसे फिक्स करते हैं और क्या क्या प्रोसीजर है जिसके माध्यम से हम एक इलेक्ट्रिक पोल के साथ दो ठो स्ट्रीट लाइट को फिक्स करेंगे, साथ साथ इलेक्ट्रिकल सप्लाई को कनेक्ट करेंगे, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल ट्यूटोरियल आशुतोष आर्किटेक्चर विथ योर होस्ट एस वी जेड एनाथ, अ स्टेप अहेड फ्रॉम इमेजिनेशन। अगर आप इस चैनल को पहले बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल ऑप्शंस को क्लिक कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो पहले जानते हैं एक इलेक्ट्रिकल पोल में दो ठो स्ट्रीट लाइट का क्या आवश्यक रहता है। देखिए, एक इलेक्ट्रिकल पोल में मिनिमम एक ठो स्ट्रीट लाइट को हम लगाएंगे, वो कंपलसरी है, लेकिन इसके अलावा दो ठो या फिर चार ठो इलेक्ट्रिकल लाइट को इलेक्ट्रिक पोल के साथ फिक्स किया जाता है। लेकिन वहां पे अगर हम चार ठो स्ट्रीट लाइट को एक इलेक्ट्रिकल पोल के साथ फिक्स करते हैं तब ट्यूबुलर पोल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज हम एक आरसीसी पोल में दो ठो स्ट्रीट लाइट को फिक्स करेंगे। एक आरसीसी पोल में अगर हम दो ठो स्ट्रीट लाइट को फिक्स करते हैं तो वो एक चौक एरिया होगा, यानी कि उस एरिया में दो ठो लाइट दोनों तरफ कंपलसरी चाहिए, तो वहां पे हमें दो ठो स्ट्रीट लाइट को फिक्स करना पड़ता है क्योंकि वो एक चौक एरिया है या फिर वो एक जंक्शन पॉइंट है जहाँ पे डिफरेंट रोड आपस में कनेक्ट किया गया है और वहां पे सफिशियंट लाइट प्रोवाइड करने के लिए दो ठो स्ट्रीट लाइट को एक इलेक्ट्रिक पोल के साथ फिक्स किया जाएगा। अब जानते हैं इलेक्ट्रिकल पोल में स्ट्रीट लाइट को फिक्स करने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल्स, टूल्स या फिर एक्सेसरीज चाहिए। सबसे पहले हमें दो ठो GI ब्रैकेट चाहिए, दो ठो स्ट्रीट लाइट चाहिए। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट को इलेक्ट्रिक पोल के साथ फिक्स करने के लिए ब्रैकेट क्लैंप और स्पैनर चाहिए। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट को इलेक्ट्रिकल सप्लाई के साथ कनेक्ट करने के लिए सर्विस वायर और सर्विस वायर को स्ट्रेट रखने के लिए GI वायर चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्ट्रीट लाइट को GI ब्रैकेट के साथ फिक्स करेंगे, साथ ही साथ स्ट्रीट लाइट के साथ इलेक्ट्रिकल वायर को एक्सटेंड करेंगे जिसके माध्यम से हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई के साथ स्ट्रीट लाइट को फिक्स कर पाएंगे या फिर स्ट्रीट लाइट का जो वायर है उसे हम कनेक्ट कर पाएंगे। स्ट्रीट लाइट को GI ब्रैकेट के साथ फिक्स करने के लिए हम स्पैनर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो स्पैनर आप देख रहे हैं वो सब 14 और 15 का स्पैनर है या फिर ये एक डबल एंडेड स्पैनर है या फिर आप इसे लोकल लैंग्वेज में फ्लैट स्पैनर कह सकते हैं, जिसका साइज है 14 और 15, जिसके माध्यम से हम स्ट्रीट लाइट को GI ब्रैकेट के साथ टाइटली फिक्स कर पाएंगे। तो स्ट्रीट लाइट को GI ब्रैकेट के साथ सक्सेसली टाइट करने के बाद और वहां पे इलेक्ट्रिकल वायर को स्ट्रीट लाइट के साथ कनेक्शन करने के बाद हम स्ट्रीट लाइट को पहले इलेक्ट्रिकल पोल यानी कि RCC इलेक्ट्रिकल पोल के साथ टेम्पररी फिक्स करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोल में हम दो ठो स्ट्रीट लाइट को ओपोजिटली फिक्स करेंगे। देखिए, स्ट्रीट लाइट को इलेक्ट्रिक पोल या फिर RCC इलेक्ट्रिकल पोल के साथ फिक्स करते समय हमें स्ट्रीट लाइट का क्लैंप चाहिए, यानी कि GI ब्रैकेट के हिसाब से हमें ब्रैकेट क्लैंप और उस क्लैंप को पकड़ के रखने के लिए उसका बेस यानी कि क्लैंप का बेस चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम दो ठो स्ट्रीट लाइट को ओपोजिटली फिक्स करेंगे, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लैंप का बेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे सफिशियंट स्पेस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट का ब्रैकेट को RCC पोल के साथ फिक्स करने के लिए यू क्लैंप या फिर ब्रैकेट क्लैंप का दो ठो पीस को आपस में कनेक्ट करेंगे और इसी तरह से हम एक स्ट्रीट लाइट का ब्रैकेट को
टाइटली आरसीसी पोल के साथ फिक्स कर पाएंगे। आखिर में हम इलेक्ट्रिकल लाइट या फिर जो स्ट्रीट लाइट को आरसीसी पोल में फिक्स किए हैं उसे इलेक्ट्रिकल सप्लाई के साथ कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई को कनेक्ट करने के लिए उसी पोल के पास जो इलेक्ट्रिकल पोल था वहां से टेम्पररी इलेक्ट्रिकल सप्लाई को लाएंगे, जिसे हम दो ठो सर्विस वायर यानी कि फेज, दूसरा होगा न्यूट्रल, और उसे स्ट्रेट रखने के लिए जीआई वायर के माध्यम से उस दोनों सर्विस वायर को टाइटली बाइंड करेंगे। और इसके बाद हम वहां से इलेक्ट्रिकल सप्लाई को जो नया इलेक्ट्रिकल पोल के पास हम स्ट्रीट लाइट को फिक्स कर रहे हैं वहां तक लाएंगे और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करेंगे। इस काम को करने के दौरान हमें कुछ सेफ्टी के बारे में भी ध्यान देना है, जैसे कि जब हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे वहां पे मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई को बंद करेंगे, साथ ही साथ जो पर्सन या फिर जो टेक्नीशियन लैडर के माध्यम से इलेक्ट्रिकल पोल के साथ स्ट्रीट लाइट को फिक्स करेगा वहां पे हमें लैडर को प्रॉपरली पकड़ना है। ओके फ्रेंड्स, टाइम्स टू एंड अप इलेक्ट्रिकल एक्सपीरियंस ऑन फिक्सिंग ऑफ टू नंबर्स ऑफ स्ट्रीट लाइट विथ इलेक्ट्रिकल आरसीसी पोल एंड कनेक्ट देम बाय इलेक्ट्रिकल सप्लाई। फॉर नॉलेजेबल वीडियोज रिलेटेड विथ नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी सीरीज, ट्रिगोनोमेट्री, यू कैन चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड फॉर मोर वीडियोज यू कैन क्लिक ऑन आईकार्ड एंड ऑल्सो वॉच दीज सजेशन वीडियोज। टिल देन सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आशुतोष आर्किटेक्चर एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द ऑल ऑप्शंस ऑफ द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अनदर लेटेस्ट अपडेट रिलेटेड विथ इलेक्ट्रिकल एक्सपीरियंस, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी सीरीज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्पिटिटिव ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।